आर्टिकल 370 हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसका समाधान करने से कांग्रेस सरकार बचती रही है। वहीं अब केंद्र की मोदी सरकार ने होम मिनिस्टर अमित शाह के नेतृत्व में इस आर्टिकल 370 की जड़ें काट दी हैं और एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए। देश के ज्यादातर नागरिक इस ऐलान का स्वागत कर रहे हैं और कुछ मुट्ठी भर नेताओं की नींद हराम हो चुकी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की पूर्व नेता रही प्रियंका चतुर्वेदी ने एक अहम सबूत दिया है मीडिया को, जिससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। जहां एक तरफ अलगाववादी सोच को समर्थन देने वाली पार्टी और कुछ नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता इस बेवजह के विरोध में शामिल हैं। वहीं एक बात ध्यान देने वाली है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता गला फाड़ फाड़ कर इस ऐतिहासिक ऐलान का विरोध करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इतनी ज्यादा गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि अब अपने ही घर में फंसती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के ऐसे कई नेता भी हैं जो कांग्रेस के 370 के विरोध को गलत बता रहे हैं और इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। वहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शिवसेना में जाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी भी कांग्रेस की पोल खोलने के लिए सामने आई हैं। प्रियंका ने मीडिया को ऐसा काफी कुछ बताया है जो कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने के लिए पर्याप्त है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस को अवसरवादी और पथहीन पार्टी करार दिया और सोशल मीडिया पर एक पुरानी अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है, आखिर कांग्रेस पार्टी साबित क्या करना चाहती है। यह अखबार 12 सितंबर 1964 का है, जिसमें कांग्रेस के सांसदों ने मौजूदा कांग्रेस सरकार से ये मांग की थी कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर में नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये एक बड़ा सबूत है कांग्रेस की नाकामी का, जिसे नकारा नहीं जा सकता। वही सोचने वाली बात है कि जब कांग्रेस ही नहीं चाहती थी कि विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर में रहे, तो फिर यह सवाल उठता है कि जब मोदी सरकार ने इस धारा 370 को हटा दिया, तो ऐसे में इन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को क्या परेशानी हो रही है। ये अखबार का कटिंग सबूत है कि किस तरह से कश्मीर को जानबूझकर दबा कर रखा गया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। वही जो लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी इस पर गौर करना चाहिए। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।